प्रणाम मित्रों, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग अवश्य होते हैं जिनसे हम परेशान होते हैं, और परेशानी का कारण यह होता है कि वह लोग कभी भी नहीं सुधरते। चाहे हम उन्हें लाख कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन उन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई कसम खाई हुई है कि वह सुधरेंगे ही नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग लाख समझाने के बाद भी नहीं सुधरते? तो आइए जानते हैं उन कारणों को कि कुछ लोग कभी भी क्यों नहीं सुधरते। सुधरने की एक प्रक्रिया है जो चार स्तर पे गुजरती है। पहली सुनना, दूसरा सोचना, तीसरा समझना और चौथा सुधरना। जी हाँ, तो जो भी इंसान नहीं सुधरता या जो भी इंसान नहीं सुधर रहा, तो ये बात तो तय है वह इंसान ठीक से सुनता नहीं है। सुनने का मतलब यहाँ पर कान से ना सुनना नहीं है, सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है उसको सुनना। क्योंकि कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला सुन रहा हो, या तो वह लगातार बहस कर रहा होता है, तर्क वितर्क कुतर्क कर रहा होता है, और अगर चुपचाप सुन भी रहा होता है तो उसके मन में तर्क वितर्क चल रहा होता है, मन कहीं और उलझा होता है। तो ये बात तो एकदम तय है कि जो लोग नहीं सुधरते वो सुनते ठीक से नहीं है। सुनना सुधरने की पहली शर्त और पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो इंसान ठीक से सुनता नहीं वह कभी भी, जी हाँ, वह कभी भी सोचेगा नहीं। क्योंकि हम सोचेंगे तभी जब सुनेंगे, जब हम सुनते ही नहीं तो हम सोचे किस बात पर, कोई हमसे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके क्या कारण है, ये सोचने के लिए पहले हमें सुनना पड़ेगा। और हम अगर सोचेंगे तो उसी के बाद हम समझेंगे, और जब हम समझेंगे ही नहीं तो सुधरेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं सुधरते उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि सुने सामने वाला क्या कह रहा है, उसे ठीक से सुने। यदि वह बहुत जल्दबाज है, सुनने वाला इंसान बहुत जल्दबाज है, वो जरा भी धैर्यपूर्वक नहीं सुनता, एकदम बहस में उतर जाता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, इसका मतलब वह जरा भी नहीं सुधरेगा। दूसरा ना सुनने का कारण, ऐसे लोग जो हमेशा अपने तर्क रेडी रखते हैं, उत्तर रेडी रखते हैं, उनके पहले से कुछ रेडीमेड उत्तर तैयार होते हैं, और उनको पहले से ही लगता है कि मैं तो समझदार हूं, मुझे सुधरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे लोगों से जब भी आप बात करते हैं, आप प्रश्न बाद में करते हैं, या यूं कहें उत्तर आप बाद में देते हैं, उनका एक उत्तर पहले आ जाता है या आपके उत्तरों से पहले उनके प्रश्न आ जाते हैं। तो वे कुछ ना कुछ पहले से इतना ज्यादा तैयार रखते हैं कि वो बात को ठीक से होने ही नहीं देते, और ठीक से सुनते ही नहीं कि किस बात पर जोर दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो जो लोग नहीं सुनते, एक कारण ये भी है। ठीक से ना सुनने का एक कारण लोगों का नकारात्मक होना भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितनी भी अच्छी बात कर लो, एक बात तो कितनी भी समझा के बात कर लो, उनका जो नकारात्मक रवैया होता है, दृष्टिकोण होता है, वो उससे टस से मस नहीं होते। वे किसी भी काम में नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, किसी भी काम में हानि ढूंढ लेते हैं, नेगेटिव शेड ढूंढ लेते हैं। आप कोई भी बात रखो, वो अगर लगा देंगे, मगर लगा देंगे, इफ्स एंड बट्स लगा देंगे, तो कोई ना कोई चीज ऐसी रख देंगे, मजबूरी गिना देंगे, कमजोरी गिना देंगे अपनी, कुछ ना कुछ चीज ऐसी गिनाएंगे कि सामने वाला चुप हो जाए और वो सुने ही नहीं। तो जो लोग ठीक से नहीं सुनते उसका एक कारण ये भी है कि ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होना हानिकारक है, क्योंकि ये लोग पहले ही हर चीज को लिए डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, परिणाम अपने आप के बारे में लगा लेते हैं या सामने वाले के बारे में लगा लेते हैं। और तो और ये अंदाजे खूब लगाते हैं, इससे पहले कोई बात इन्हें समझ में आए या ना आए, बिना सुने ही ये हर बात के निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई अंदाजा लगा लेंगे, और इनके इस ढंग के लगाए हुए अंदाजे ठीक से सुनने नहीं देते। और क्योंकि ये ठीक से सुनते नहीं इसलिए ये ठीक से सोचते नहीं, क्योंकि ये सोचते नहीं इसलिए समझते नहीं, और इसलिए सुधरते नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि सोचना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत ढीठ और बेशरम किस्म के इंसान होते हैं, उन्हें आप कितना भी समझा लो वो मान के चलते हैं कि सामने वाले की बेइज्जती करनी है। तो कुछ लोग इस कारण से भी नहीं सुनते, चाहे उनका कोई भी रीजन हो, उनको लगता है कि ऐसा करके उनकी बेइज्जती कर पाएंगे, सामने वाले को नीचा दिखा पाएंगे, तो इसलिए वो उनका कहना नहीं मानते, या जब भी वो सामने वाला कोई बात करता है ठीक से सुनते नहीं, नजरअंदाज करेंगे, कान खुजाएंगे, जमाई लेंगे या देखेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। तो एक तरीके से सामने वाले की बेइज्जती करना,
अपना बदला आक्रोश प्रदर्शन करना ऐसा उनकी आदत होती है। तो जिन लोग की ऐसी आदत होती है वो लोग भी ठीक से नहीं सुनते, वो सुन ही नहीं पाते सामने वाला क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग नहीं सुनते उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि उनको यही नहीं पता होती कि उनकी गलती क्या है। जी हाँ, क्योंकि सुधरेगा कौन? वही इंसान सुधरेगा जिसको पता हो कि उसकी कुछ गलती है या गलत कहीं है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता हम गलत हैं तो हम अपने आप को सुधारेंगे ही क्यों। ये ऐसे ही है कि अगर हम ये कहें कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो हम कोई दवाई नहीं लेंगे। तो अगर किसी इंसान ने पहले ही सोच लिया मैं स्वस्थ हूँ तो वो कितना भी बीमार हो दवाई नहीं लेता। सिमिलरली जिन लोगों को यही नहीं पता कि वो गलत कहाँ है, क्यों है, कौन सी बातें गलत हो गई, तो सुधरने का तो सवाल ही नहीं उठता। सुधरने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि गलत क्या हुआ है, अगर गलत हुआ है तो किस एंगल से, किससे गलत हुआ है। तो जब हम गलती ही नहीं जानेंगे तो उस गलती का निवारण कैसे ढूंढेंगे, हम सुधरेंगे कैसे। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम गलती ही नहीं जानना चाहते। कभी ना सुधरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ऐसा इंसान जन्म और जीवन के महत्व को नहीं समझता। जी हाँ, आप जान के हैरानी होगी, क्योंकि जो इंसान भी ये समझ गया कि जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, ये जीवन बहुत किस्मत वालों का मिलता है और अगर हम ठीक ठाक हैं तो लकी बात है, तो जो इंसान इस जन्म को समझेगा, इस जीवन को समझेगा, वह अपने किसी वक्त को, किसी लम्हे को खराब नहीं होने देगा, वह टाइम को खराब नहीं होने देगा, रिश्ते को खराब नहीं होने देगा, अपॉर्चुनिटीज को खराब नहीं होने देगा, अपने इस पूरे जीवन को खराब नहीं होने देगा, वह इस जीवन के प्रति आदर से भरा रहेगा, किसी शिकायत से नहीं। लेकिन जो इंसान इस जीवन और जन्म के महत्व को समझता ही नहीं, वो क्या इस समय को, अपने जीवन को फूक फूक कर जिएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गलती कोई भी करे नहीं करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुधरे कि नहीं सुधरे, घर सुधरे, संबंध सुधरे, समाज सुधरे, देश सुधरे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने नशे में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं यह बात भी तय है कि ऐसे इंसान ये बात जानते नहीं कि जन्म कितना बहुमूल्य है, ये जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि जो इंसान ये बात समझ जाएगा वो बिना जागे रह नहीं सकता, वह अपनी गलती जाने बिना रह नहीं सकता, और गलती जान गया तो सुधरेगा जरूर। तो वह पल प्रतिपल अपने जीवन में सुधार लाएगा, हर पल हर दिन को नए ढंग से जिएगा, कुछ नया करेगा, वह नहीं चाहेगा कि उसका जो जीवन है खराब हो। तो कहीं ना कहीं जो लोग नहीं सुधरते वो इस बात की भी ओर इशारा करते हैं कि वो जानते ही नहीं कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि उनको ये जन्म और जीवन मिला, या यूं कहे उन्हें इस जन्म और जीवन के महत्व का ही नहीं पता। कभी ना सुधरने का एक कारण ये भी है कि अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझना। जी हाँ, जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं, उनको लगता है सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, सबसे ज्यादा अनुभव मेरे पास है, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रही हूं वो ठीक है, सामने वाले को नॉलेज कम है, तो वह भी कभी नहीं सुधरते। ईगो भी हो सकती है, एक्सेस में समझदारी भी हो सकती है। तो जिन लोगों को इस बात का अहंकार है कि वो अपने घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या यूं कहो अपने समाज में पढ़े लिखे हैं, या अपने ऑफिस में पढ़े लिखे हैं, या किसी चीज में अचीवर बहुत ज्यादा है, तो उनके वहम बैठ जाता है, एक अहंकार पल जाता है, तो ऐसे लोगों को सुधारना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर वह अहंकार सही बात का हो या गलत बात का हो, लेकिन वो ईगो ऐसी आ जाती है कि वो किसी की नहीं सुनते और वो कभी भी नहीं सुधरते। इससे वे हमेशा सुधरने का जो दरवाजा होता है उसको वह बंद कर देते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण कुछ लोग जरा भी नहीं सुधरते। तो अब क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि कोई सुधरे या हम सुधरें। यदि आप किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहते, जैसे आपको लगता है कोई मुझे क्यों सुनाए, क्यों मुझे सलाह दे, क्यों परामर्श दे, क्यों बेकार में मेरा दिमाग खाए, ये आप ऐसा नहीं चाहते, तो आप एक काम करें, आप अपने लाइफ के ग्राफ को देखें, आप अपने आप को देखें, आप देखें आप कितने सुखी हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, आप कितने बेचैन शांत हैं कि नहीं हैं। यदि आप अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे आप पाएंगे ना तो आप सुखी हैं, ना तो आप संतुष्ट हैं, ना आप सफल हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आती, तनाव में भरे रहते हैं, रोगों से भरे हैं, तो इस बात को फिर आप मान लें कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से गलत हो रहा है, आप सुधर नहीं रहे हैं, आपको सुधरना जरूरी है। ठीक है, दूसरे के समझाने से आप नहीं समझना चाहते, आपकी ईगो हर्ट होती है, तो आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर लीजिए, आप अपनी उपलब्धियां देख लीजिए, आप अपनी हालत देख लीजिए, आपने क्या पाया है, क्या खोया है, कितना ज्यादा खोया है, कितना कम पाया है, इन सब का रेशियो अनुपात निकाल के देख लें,
तो अगर आप अपने आप से ही बात कर लें, किसी और की ना सुने, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में आपके अंदर सुधार की गुंजाइश है, और अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो ठीक कह रहा है। क्योंकि अगर आप सही होते, आप ठीक होते, आपकी कोई गलती नहीं होती, तो आपका ग्राफ हर चीज का, चाहे वो आय का हो, मन की शांति का हो, या व्यक्तित्व का हो, आपके आत्मविश्वास का हो, कुछ भी हो, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, उठना चाहिए। लेकिन अगर उसका स्तर घट रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है और आपको सुधरने की जरूरत है। अगर आप सुधरना चाहते हैं और आप उनकी नहीं सुनना चाहते जिनकी सुन सुन के आप थक गए हैं, तो आप कुछ नए लोगों की संगत करें। आप ऐसे लोगों की संगत करें जो आपसे श्रेष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, शांत हैं, उनकी संगत करें। उनसे पूछें उनका जीवन कैसा चल रहा है, उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करें। अगर जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि उनके जीवन में आपके जीवन में कितना अंतर है। और अगर वो इतने सफल हैं, इतने संतुष्ट हैं, इतने सुखी हैं, इतने खुश हैं, तो उनका क्या कारण है। तो जब आप उनके बारे में पूछेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो अपने जीवन पर कितना ध्यान देते हैं, अपने जन्म पर कितना ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों को कितना मानते हैं, कितना बेहतर ढंग से सुनते हैं, जो वह सुनते हैं उस पर चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो वो जरूर सुधरते हैं। उनसे उनकी गलतियों के बारे में पूछिए, अपने से बड़ों से, कि वो गलतियों से कैसे सीखे। तो आप अपने अच्छी संगत के साथ उठ बैठकर उनसे बातें करके भी सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं, अगर आप सुधरना चाहें तो। आप वास्तव में यदि सुधरना चाहते हैं तो उसके लिए आप ध्यान करें, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे ठहराव आता है, शांति आती है, शिथिलता आती है। ध्यान की कोई भी विधि हो या रचनात्मकता की कोई भी विधि हो, उसको आप अपने जीवन में जोड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे शांत होते हैं, शांत चित्त सामने वाले की बात सुन पाता है, और अगर आप सुन पाते हैं तो उस बात पर चिंतन मनन कर सकते हैं, उस पर आप कुछ सोच सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, यदि आप सुनेंगे ही नहीं तो आप सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो कभी सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी ध्यान विधि को नियमित करें, उसके साथ जुड़ें। साथ ही साथ आप अपने आप को दिन भर व्यस्त रखें, क्योंकि अमूमन वही लोग बहस करते हैं, वही लोग कुतर्क करते हैं जो लोग खाली होते हैं, दिमाग उनका खाली होता है, या जिसे हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वे दिन भर यही करते हैं, और इसलिए जब कोई उनसे बात करता है तो वो ठीक से नहीं सुन पाते। इसलिए अपने दिन में, दिनचर्या में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करें, साथ ही अपने मन को बिजी रखें ताकि मन शांत रह सके। क्योंकि जो लोग शांत नहीं होते उनके मन में पिछले दिनों की, पिछले महीनों की, पिछले सालों की बातें चलती रहती हैं, क्योंकि खाली दिमाग है। तो ऐसे में क्या होता है, वो कुछ भी भूल नहीं पाते, कॉन्टिन्यूअसली पुराना याद रहता है, उसकी लेयर्स पे लेयर जमती चली जाती हैं, और वे प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। इसलिए जब वो किसी से बात करते हैं तो लड़ बैठते हैं, या तो सुनते नहीं है, या फिर बहस करने लग जाते हैं, और निष्कर्ष ये निकलता है सामने वाला कितनी भी कोशिश कर लेता है वो सुधर ही नहीं पाते। तो इसलिए यदि आप सुधरना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखें, किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रखें, ताकि आप अपनी पास की बातों से उठ सकें और मन को शांत और स्थिर कर सकें। तो मित्रों, आशा है कि आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। यदि आप वास्तव में सुधरना चाहते हैं तो क्या करें, क्या ना करें, इस बारे में सोचें। यदि आपने वाकई इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुना, समझा और इन पे कार्य किया, तो डेफिनेटली आपका जीवन भी सुंदर हो सकता है। आपके रिश्ते, आपके संबंध कभी एक दूसरे के लिए चुभेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। गलतियां सबसे होती हैं, भूल सबसे होती हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन सुधरते वही हैं जो ठीक से सुनते हैं, जो ठीक से सोचते हैं, जो ठीक से समझते हैं। इसलिए सुनिए, सुनने की कला सीखिए, कि जितना आप सुनेंगे उतना आप सोचेंगे, जितना आप सोचेंगे उतना आप सुधरेंगे। इसीलिए सुनने से कभी भी पीछे ना हटे, जीवन में धैर्य रखें, शांति रखें, और जो कहा गया है उसको एकांत में बैठकर सोचें, समझें, तो आप जरूर सुधर जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।